एक बार फिर से टोनी भैया हमारे सामने एक बेहुदा सॉन्ग, ओ सॉरी सॉरी, एक और सॉन्ग लेकर आ गए हैं। ऑलरेडी मैंने टोनी भैया की सुरीली आवाज द्वारा गाए गए गानों का मैं रिव्यू कर चुका हूं, जहां पर वो पहले भी हग रहे थे और आज भी ये हग ही रहे। मैं ये सोच रहा हूँ ये इंसान ऐसा खाता गया कि हर टाइम हगता ही रहता है। जब भारत में टिकटॉक था तो ये अपने गानों को प्रमोट कराने के लिए इन छमियों को अपनी वीडियो बनाकर उसमें नचवाया करता था, लेकिन जब ये टिकटॉक बंद हुआ तो इन छमियों को अपनी ही वीडियो में बुलाकर उनसे नचवाने लग गया ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यू कमा सके। देखो टोनी भैया के गाने उन लोगों में से हैं जिनके गाने सुने नहीं जाते, जबरदस्ती उनको दिखाया जाता है। अब तुम्हें क्या मेरी बात पे यकीन है? चलो चलो तुम एक काम करना, बट अभी ये पूरी वीडियो देख के जाना, कहीं पहले ही भाग जाओ। तुम जाना कि इस महान इंसान द्वारा लिखे गए वो जो हगे गाने, जो अच्छे गाने हैं, उनकी जाके लिरिक्स चेक करना, उनमें तुम्हें एक चीज कॉमन मिलेगी। हाँ, ये नमूना, फिर से नमूना नहीं, मतलब ये जो इंसान है ये तो कॉमन मिलेगा, लेकिन तुमको इसमें एक और चीज कॉमन साथ में मिलेगी। एक ऐसे शब्द जो है वो बार बार लिखे जाएंगे, कम से कम 100 से 200 बार लिखे गए हैं जबरदस्ती सॉन्ग बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल तुम इसी सॉन्ग को ले लो, इसमें लिखा गया सोना मेरी सोना 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 हो 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 हो, सोना मेरी सोना 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 हो हो हो, साला सेंटा क्लॉज बना दिया अभी से। और ये लास्ट में तुम्हें पता है ये 3 बार हो 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 क्यों लिखा गया? क्योंकि टोनी भैया को राइम्स बनाने थे, लेकिन राइम्स बन नहीं रहते, धक्के से कोई ना कोई वर्ड्स, जैसे आदत रही है ना चॉकलेट ऑमलेट ऐसे कुछ करने की, तो ऐसे ही धक्के से ये 3 वर्ड ओ हो हो मिला दिया ताकि जो लास्ट वाली जो लाइन है, मतलब लास्ट नहीं, इसके जो अगली जो लाइन आने वाली है इसके साथ राइम बन सके। जरा अगली लाइन भी सुन लो क्या है, मोहब्बत जो हो गई है दिखाई दो दो दो। और अब इस लाइन का क्या मतलब बनता है, हर सर्दी में हर गर्मी में हर जाड़े में हर बारिश में तुम मेरी ही होना, और बाकी सीजन्स में क्या मतलब, वो कहाँ जाएगी और बाकी सीजन में किसी और के साथ? शायद टोनी भैया को पता ही नहीं था कि इन सीजन्स के अलावा कुछ और सीजन्स भी, मतलब ऋतुएं हैं जो है वो आती हैं। साला इससे अच्छा कोई पढ़ा लिखा इंसान बिठा दो वहां पे, तुम्हें ये तो बता देंगे कम से कम जनरल नॉलेज तो दे सके भाई साहब। इसके अलावा और बाकी सीजन्स भी होते हैं, उनका तो ध्यान रख लो यार। तो ये लोग साले ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और जरा एक बार सोचो यार, इन जैसे गानों को लिखने के लिए जिसमें ओ हो, मतलब इन सारे गानों को लिखने के लिए इंसान जब दिमाग लगाते हैं तो इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा यार? देखो मुझे नहीं सोचना कि क्या चल रहा होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सोच चुका हूं और भाग के भी आ चुका हूं। अब देखो टोनी भैया, जरूरी नहीं कि अगर बहन अच्छा गाती है तो भाई अच्छा गाएगा यार, बट टोनी भैया हमारी बात क्यों मानेंगे? उनको तो मजा आता है ना लोगों को परेशान करने में। अब तुम यही सोच रहे होगे ना कि टोनी भैया के यार वीडियोस के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या, व्यूज तो ढिंचक पूजा के वीडियो पे आते हैं, तो उसको क्या सिंगर मान ले क्या? और रही बात टोनी भैया के व्यूज की, तो देखो यार वो इंसान ऐसा है कि वो अकेला काम नहीं करता, वो ऐसे ऐसे इंसानों को ढूंढता है जिसको लोग देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी सॉन्ग को ले लो, इस सॉन्ग में जो अभी सोना सोना जो भी था यार, जो कुछ भी था, ये इसके कमेंट बॉक्स में जाकर चेक करना, तुम्हें एक चीज पता चलेगी, यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के नाम से कमेंट भरे पड़े हैं और लोग इन्हीं को देखने आए हुए थे, तभी तो वीडियो के ऊपर लाइक कर रखे। और इनके अलावा कोई तुम्हें एक आधा अलग से कोई कमेंट मिल जाए तो इस इंसान को गाली देता हुआ मिल जाएगा। क्या मतलब, मुझे ये इंसान पसंद नहीं तो मैं इसके गाने क्यों देखता हूं? अरे मैं नहीं देखना चाहता, मैं क्या पागल कुत्ते को काट काया? अबे एक मिनट टिटू, ये क्या लिखा तूने स्क्रिप्ट में, ये उल्टा लिख दिया तूने, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं ये जहर जाके देखूंगा? अरे मैं तो ट्रेंडिंग पे चला गया था यार, भटकते भूलते, मतलब मन तो करता है ना जाके देखें कि भारत में क्या ट्रेंड कर रहा है, तो भारत में ट्रेंड कर रहे होते हैं ऐसे इंसान। तो बहुत अच्छा, मैं सच कह रहा हूँ, भारत का यूट्यूब का जो ट्रेंडिंग पेज है ना वो एक कचरे से भरा पड़ा है और वो एक से बढ़कर एक कचरे को प्रमोट करता है। यार कमाल है यार, तुम लोग किस चीज को प्रमोट करते हो, किस चीज को सपोर्ट करते हो तुम्हें खुद नहीं पता यार, ऐसे ऐसे लोगों को तुम सपोर्ट करते हो जिस, तुम यार रियलिटी में इस इंसान का गाना एक बार से ज्यादा सुन भी नहीं पाओगे, और वो एक बार से तुम्हें कोई अगर रुपया दे तब तुम जाके सुनते हो। और ये इंसान बड़ा चालाक है यार, ऐसे ऐसे इंसान को सामने लेके आता है ताकि तुम इनके गाने सुन सको, मतलब तुम इसके गाने फ्री में सुनते हो, एक्चुअल में तुम उस इंसान को देखने जाते हो जो इसकी व्यू पर वीडियो बनी है। फॉर एग्जांपल सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल को लोग देखने आए हुए क्योंकि वो बिग बॉस से एक साथ में थे, तब लोगों के अंदर क्रेज बन गया उनको एक साथ देखने का, तो यही इसने फंडा जो है वो यहां यूज कर लिया। देखो मुझे नहीं पता कि तुम लोगों की वीडियो कितनी समझ में आई या कितनी नहीं आई, अगर नहीं आई तो फिर से देख लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो यार इससे ज्यादा तो मैं बात नहीं कर सकता इस सॉन्ग के ऊपर, क्योंकि मेरा सच में सर फटने को हो रहा है। मैं कुछ और वीडियो बनाने वाला था, कुछ और कंटेंट मैंने सोच रखा था, बट जब इस इंसान को मैंने फर्स्ट मतलब ट्रेंडिंग पे देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और वो वीडियो मैंने पोस्टपोन की। मैं कहा चलो यार वो तो बाद में आ जाएगी, लेकिन इस इंसान को प्रायोरिटी देना जरूरी है क्योंकि ये तो ट्रेंड में रहता है, नंबर वन आने की आदत है, तो हम भी अपनी वीडियोस में इसमें ट्रेंड पे लाके रखते हैं ना। बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।